जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आता है और शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इजाफी मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा किया गया, लेकिन आवाम के लिए सब बेसुद रहा। इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। सर जी, लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया हुआ है आवाम, गरीब बंदा क्या करे मुझे ये बताएं। ये देख रहे हैं काम की वजह से अभी भी पंखा बंद हो गया, घंटा आ रही है घंटा जा रही है, सारी आवाम परेशान है काम की वजह से। जो जिसका पेपर का काम है उसने बेचारे ने हीट गन लगानी है तो उसने पेपर लगाना है, वरना क्या करेगा। हमारा काम है, चलो हम तो मैकेनिकल हैं, स्पेयर पार्ट हम तो गुजारा कर रहे हैं। जो आवाम गरीब आवाम है जिनके बंद घर हैं वो क्या करे। लोड शेडिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे बुरे हाल हो गए हैं, कारोबार करने का टाइम नहीं है, तबाह हो गई हर चीज़। ये तो 6 महीने हो गए, साल हो गया, बर्बाद कर दिया हमें। कारोबार चलने लगता है, लाइट चले जाती है, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती, पूरा हाल हो गया। सुबह से ये पकी चलते हैं, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हम बोल नहीं सकते, फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट पहले भी वैसी थी, अब भी वैसा ही है, जो मर्ज़ी कर लें आप लोड शेडिंग होनी होनी। बिल हमारा इतना आया था कि आपकी सोच है, बिल भी जमा करा रहे हैं, लाइट भी फिर भी जा रही है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हमें। यहाँ समझ लें कि हमारे जो सा ना ये मरने वाले ही देने, हमारे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लोड शेडिंग करके ये बंदे को और मार देते हैं। गरीब बंदा तो ना तो UPS लगा सकता है, तो ना कि यहाँ जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। लोड शेडिंग से समझ लें कि आपकी मौत ही है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बिल्कुल डाउन हो गए हैं, ठप रह गए कारोबार, कारोबार मुश्किल हो गए हैं, लाइट होती नहीं, काम भी नहीं आगे से। आप धूप देखें, गर्मी देखें कितनी बढ़ रही है, इसके लिहाज से बहुत बड़े। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा शहरियों का कहना था कि बिजली दिन में 12 घंटे आती है और 12 घंटे ही जाती है, जिनसे उनको काम करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर काबू पाए ताकि हम अपना रोज़गार कमा सकें। अभी के लिए अपने मेज़बान आकिल बर्ड को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।